भिंड में आई बाढ़ के मदद के लिए कई हाथ आगे आए हैं, कोई रोटी लेकर पहुंचा तो कोई फल। लेकिन जुड़वा बहनों ने इस आपदा के समय में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर महिलाओं और युवतियों को 2000 सैनिटरी पैड्स वितरित किए हैं, वह भी अपनी बचत से। ये दोनों बच्चियां हैं भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह की जुड़वा बेटियां, जिनके इस प्रयास ने न सिर्फ मेंटुअल्स हाइजीन को गंभीरता दिखाई है, बल्कि इस विषय को लेकर जहां समाज में लोग बात तक नहीं करते और शर्माते हैं, समाज में जागरूकता की एक अलग भी जगाई है। कहने को नव्या और भव्या दोनों जुड़वा बहने एक IPS ऑफिसर की बेटियां हैं, लेकिन दोनों ही जमीनी स्तर पर रहकर एक आम जिंदगी जीना पसंद करती है। लोगों से मिलना, उन्हें समझना, हर क्षेत्र और परिवेश से वाकिफ होना पसंद है। उससे भी ज्यादा उन लोगों की मदद करना जिन्हें वाकई मदद की जरूरत है। हमारी एक शॉप है रीडिंग मैजिक करके इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर हम लोग बुकिश मर्च बेचते हैं, जैसे कि बुकमार्क्स, बुक स्लीव्स, कुशन कवर, बैचेस, नोटबुक्स, नोटपैड्स, टी शर्ट्स, और हमें जितना भी प्रॉफिट आता है हम सब चैरिटी को दे देते हैं। जी, हम लोग बचपन से हमने अपने अराउंड देखा था, तो मम्मी पापा ने भी हमें बोला कि हमें हेल्प करनी चाहिए दूसरों की, तो हमें बचपन से ये सिखाया गया है। सो हमें जब भी कोई ऐसा दिखता है या फिर ऐसा लगता है कि हमें मदद करनी चाहिए, हम पूरी कोशिश करते हैं हम लोग की शॉप के। अभी हम लोग पैड्स बांटेंगे क्योंकि पीरियड्स तो रुकते नहीं है, भले कोविड आए, फ्लड्स आए या फिर अर्थक्वेक आए, तो और मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी बहुत जरूरी है, तो हम लोग ये एसेंशियल है इस समय, इसीलिए हम लोग पैड्स बांटेंगे। IPS ऑफिसर की बेटियां होने के बाद भी छोटी सी उम्र में नव्या और भव्या को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें अपने काम में पिता का नाम जोड़ना पसंद नहीं है। यही वजह है कि उनके द्वारा बाढ़ पीड़ितों को बांटे गए 2000 सैनिटरी भी खुद ही खरीदे गए हैं। भिंड से मृदुभाषी के लिए राहुल शर्मा की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।